सम्माननीय शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम स्कूल स्तर पर HM प्रभारी HM द्वारा पुस्तकों की प्राप्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करना सीखेंगे। मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। ऐप इंस्टॉल होने के बाद जब ऐप को ओपन करने पर आपको अलाउ करना है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद बटन पर क्लिक करना होगा। मोबाइल ऐप लॉगिन है तो स्कूल के HM प्रभारी HM को अपने यूनिक आईडी लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन पर क्लिक करना है। ऐप ओपन होने पर सबसे पहले शाला प्रभारी पर क्लिक करना होगा। सेटिंग से मास्टर डेटा डाउनलोड पर क्लिक करना है। मास्टर डेटा पर क्लिक करने पर जल्द पाठ्य पुस्तक वितरण से संबंधित जानकारी ऐप पर डाउनलोड हो जाएगी। मास्टर डेटा पर क्लिक करने पर जल्द पाठ्य पुस्तक वितरण से संबंधित जानकारी ऐप पर डाउनलोड हो गया का मैसेज प्राप्त होगा पर क्लिक करना है। मेरी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। पाठ्य पुस्तक वितरण ऐप में आप कौन से रोल से काम कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक की सूची देखने के लिए क्लिक करना है। टेक्स्ट बुक की सूची पर क्लिक करने पर आपको कक्षा माध्यम विषय की पुस्तकों की लिस्ट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होगी। साथ ही ड्रॉप डाउन फिल्टर की भी सुविधा रहेगी, जिससे अपनी सुविधा अनुसार फिल्टर की सहायता से पुस्तकों की लिस्ट देख सकेंगे। BRC स्तर पर कौन कौन से टाइटल की पुस्तकें उपलब्ध हैं की जानकारी देख सकते हैं। ऐप लॉगिन करने के बाद मास्टर डाउनलोड सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद आपको टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन पर क्लिक करना होगा। टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर शाला के डिस्पैच आर्डर, शाला में प्राप्त पुस्तकें, अतिरिक्त पुस्तकें, BRC कार्यालय को प्रेषित करें, तीन ऑप्शन मिलेंगे। टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन की स्क्रीन शाला के डिस्पैच आर्डर पर क्लिक करना है। टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन की स्क्रीन पर BRC द्वारा स्कूल को जारी किए गए डिस्पैच आर्डर की जानकारी देख प्राप्ति दर्ज कर सकेंगे। BRC द्वारा स्कूल को भेजी गई पुस्तकों की डिस्पैच की जानकारी को देख सकते हैं। पुस्तकों की सूची देखें। डिस्पैच आर्डर में कौन कौन टाइटल की पुस्तकें प्राप्त हुई हैं की जानकारी पुस्तक की सूची देखें पर क्लिक करके देख सकते हैं। डिस्पैच आर्डर से पुस्तक की सूची देखें पर क्लिक करने पर कौन कौन टाइटल की प्राप्त हुई हैं सूची देख सकते हैं पर क्लिक करके डिस्पैच आर्डर की जानकारी की स्क्रीन पर पुनः जानेंगे। डिस्पैच आर्डर से कौन कौन टाइटल की पुस्तकें प्राप्त हुई हैं सूची देखने के बाद प्राप्ति दर्ज करें। इन पुस्तकों की प्राप्ति देने के लिए प्राप्ति दर्ज पर क्लिक करना है। जिस डिस्पैच आर्डर की पुस्तकें प्राप्ति दर्ज करना है वहाँ प्राप्ति दर्ज करें का आइकन, प्राप्ति दर्ज करें कलर में दिखेगा, यानी कि उस डिस्पैच आर्डर की पुस्तकें HM प्रभारी द्वारा प्राप्ति दर्ज करनी है। डिस्पैच आर्डर की पुस्तकें HM प्रभारी द्वारा प्राप्ति दर्ज करने के लिए उन्हें स्कूल परिसर में होना अनिवार्य होगा। HM प्रभारी द्वारा प्राप्ति दर्ज करने के लिए उन्हें स्कूल परिसर में नहीं है तो वह प्राप्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। पुस्तकों की प्राप्ति देने के लिए प्राप्ति दर्ज करें पर HM को स्कूल परिसर के 500 मीटर के रेडियस में होना अनिवार्य होगा, तभी पुस्तकों की प्राप्ति दर्ज की जा सकेगी। जब HM को स्कूल परिसर में होंगे तो प्राप्ति दर्ज करने की स्क्रीन उपलब्ध होगी। पुस्तकों की प्राप्ति देने के लिए प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक करने के बाद शाला को पुस्तकें होने की जानकारी ऐप पर प्राप्त होगी। यदि ऐप पर उपलब्ध पुस्तकों की जानकारी में अंतर है तो स्कूल को प्राप्त पुस्तकों के अनुसार संख्या में एडिट कर सकते हैं। पुस्तकों की प्राप्ति देने के लिए प्राप्ति दर्ज करने पर क्लिक करने के बाद पुस्तकों के बंडल की जियो टैग फोटो ऐप के माध्यम से लेना है, जिसके लिए स्क्रीन पर कैमरे पर क्लिक करना है। कैमरे पर क्लिक करके जिस चालान बंडल की प्राप्ति देना है उसका जियो टैग फोटो ऐप के माध्यम से क्लिक करके स्क्रीन पर क्लिक करना है। जियो टैग फोटो ऐप के माध्यम से क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर प्राप्ति दर्ज करें पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही बंडल प्राप्ति की जानकारी BRC को प्राप्त हो जाएगी। जानकारी सर्वर पर
सफलतापूर्वक प्राप्त दर्ज होने का मैसेज स्क्रीन पर आएगा। जिस चालान की पुस्तकें प्राप्त दर्ज कर चुके हैं वहां प्राप्त दर्ज करें का आइकन हट जाएगा। डिस्पैच आर्डर की पुस्तकें जम्प्रवारी द्वारा प्राप्ति दर्ज कर ली गई है। टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन की स्क्रीन पर एचएम द्वारा स्कूल को जारी किए गए डिस्पैच आर्डर से प्राप्त पुस्तकों की जानकारी देख सकेंगे। टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन की स्क्रीन पर एचएम द्वारा स्कूल को डिस्पैच आर्डर से अतिरिक्त पुस्तकें प्राप्त हो गई हैं तो बीआरसी को रिपोर्ट कर सकेंगे। टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन में अतिरिक्त पुस्तक प्राप्ति की जानकारी दर्ज करने के लिए पर क्लिक करना है। जिस टाइटल में अतिरिक्त पुस्तक प्राप्त की जानकारी दर्ज करना हो वहाँ अतिरिक्त पुस्तकें दर्ज करने पर क्लिक करना है। अतिरिक्त पुस्तक प्राप्ति की जानकारी दर्ज करें, अतिरिक्त पुस्तकें दर्ज करें पर क्लिक करना है। लॉग आउट करने के लिए क्लिक करना होगा। तो इस तरह यह शाला स्तर पर पुस्तकें प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे अधिक से अधिक शिक्षक साथियों को व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।